फिफ्थ भी है, इफ एन इक्वेशन विद रेशनल कोफिशियंट हैज अ रूट दिस एंड बी आर द रेशनल, ठीक है, बट दिस बी इज इरेशनल, ठीक है, प्रूव दैट इट हैज द रूट ए माइनस रूट बी और यूज द मेथड ऑफ 21। ये इमेजिनरी नहीं है, अब ये इरेशनल है, ठीक है, रूट बी इरेशनल है, बी को आप पॉजिटिव ही लेके चलना है, ठीक, उस केस में भी बी अगर नॉन जीरो है उस केस में भी आपका यहाँ पे वो रिमाइंडर जीरो बन जाएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही चलना है जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है। दोबारा इसका एक थ्योरम अगेन मतलब एक रेशनल के लिए भी प्रूफ हो जाएगा, रेशनल कोफिशियंट, लेकिन रूट स्क्वायर रूट ऑफ बी जो है वो भी इरेशनल है, कोफिशियंट रेशनल है, कोफिशियंट ऑफकोर्स रेशनल है, लेकिन ये स्क्वायर रूट ऑफ बी जो है वो इरेशनल है, यानी ये जो है रूट के अंदर ही रहेगा कुछ ना कुछ नंबर, पूरा बाहर नहीं आएगा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है कोई, तो इरेशनल है। तो आप बिल्कुल वही एक्स माइनस, ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, एक्स माइनस ब्रैकेट में ए प्लस आयोटा बी, एक रूट्स गिवन है, ए प्लस आयोटा बी गिवन था, अब यहाँ पे रूट्स जो है ए प्लस आयोटा बी की जगह आपको ए प्लस रूट बी कंसीडर करना है, और वहां से एक पॉलिनोमियल बना लो डिग्री टू का, वो क्या होगा, एक्स माइनस ये इंटू एक्स माइनस ये, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक डिग्री टू का एक पॉलिनोमियल बनेगा, उसी के फैक्टर जो हो रहे होंगे ये दोनों हो रहे होंगे, तो वहां से रिमाइंडर आपको बताना है वही आर एक्स प्लस एस वाला, ठीक है, रिमाइंडर आएगा, फिर कोफिशियंट इक्वेट कर देंगे, कोफिशियंट इक्वेट कैसे होगा यहाँ पे कि रूट बी टाइप का आएगा, तो रूट बी कंपेयर करेंगे आप दोनों तरफ, तो कंपेयर जैसे ही आप करोगे अपने आप निकल के आएगा वो, ठीक है, ये जरूर ट्राई करना आप लोग। सिक्स भी सिमिलरली, ये कहाँ तक है भाई, कितने हैं, ये 13 तक है, क्वेश्चन 13 तक है, 13 तक आप जरूर देख लो, बाकी हम अब नेक्स्ट में करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कहा इफ एन इक्वेशन विद रेशनल कोफिशियंट, ठीक है, कोफिशियंट कैसे रेशनल है, हैज अ रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर रेशनल बट स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इरेशनल, ठीक है, देन वी हैव टू शो इट हैज ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। रेशनल कोफिशियंट मीन्स जो कोफिशियंट होंगे वो रेशनल फील्ड से लिए होंगे, यानी क्यू से लिए होंगे, यानी पी बाई क्यू फॉर्म के होंगे, ऑफकोर्स क्यू नॉन जीरो, रेशनल का मतलब यही, और वेयर पी एंड क्यू विल बी इंटीजर बट डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, यानी 1, 2, 1/2, ये दे ऑल आर रेशनल, ठीक है, माय अब ऑफकोर्स नेगेटिव में भी, नेगेटिव में ऑफकोर्स जीरो भी आएगा इसमें, ये सारे जितने भी है वो सारे रेशनल नंबर्स हैं, आपको पता ही है ये, तो सो ये गिवेन है, और एक और हमें गिवेन है यहाँ पे, एंड गिवेन ए प्लस रूट बी इज ए प्लस स्क्वायर रूट बी इज रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसका ये रूट है, ठीक है, सो लेट सेम उसी तरीके से आप क्या करोगे, लेट एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई, ठीक है, सेम वही कंसीडर कर रहा हूं, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, और ऑफकोर्स यहां पे गिवन ये भी है बी नॉन जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो कैसे कह रहा हूं, क्योंकि उसने कहा है रूट बी जो है इरेशनल है, ठीक है, रूट बी इरेशनल है, इट मीन्स बी मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि अगर बी जीरो हो गया रूट टू
स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 व्हिच इज रेशनल आ जाएगा, जबकि उसने कहा है दिस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज नॉन जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इरेशनल डिवाइडेड दिस। अब देखो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये क्या आएगा, x माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एक ये फैक्टर बनेगा और दूसरा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक, अब ये देखो ये इसका रूट है, ये जो है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी जो है एफ ऑफ एक्स का रूट है। सो इट मीन्स हम ये तो डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं कि बाय द फैक्टर थ्योरम इफ दिस इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस दिस रूट इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था। अगर एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो है तो एक्स माइनस सी इसका फैक्टर होता है। ठीक है, क्लियर है ना, इसका फैक्टर होता है। इसका फैक्टर होने का मतलब ये होता है कि जो एफ ऑफ एक्स है और जब आप ऐसे लिखते हो वो रिमाइंडर जो है जीरो आ रहा होता है। ठीक है, फैक्टर होने का मतलब क्या हुआ कि दिस एक्स माइनस सी एग्जैक्टली डिवाइड एफ ऑफ एक्स, ये भी आप बोल सकते हो, बहुत तरीके हैं। अब अगर ये डिवाइडेड बाय दिस कब तक करना है, सेम वहां पे अंटिल अंटिल वी गेट द रिमाइंडर, किस फॉर्म में। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स की पावर एक्स स्क्वायर वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर जो होगा इससे एक कम, तो मैं वो लिख रहा हूँ रिमाइंडर, तब तक हमें इसको डिवाइड करना है अंटिल वी गेट द रिमाइंडर आर एक्स प्लस एस। ठीक है, सेम उसी तरीके से, तो जब आप इसको डिवाइड कर दिया किससे, इससे, और रिमाइंडर आपका ये मिल गया, तो जो आपका एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा बाय द डिविजन एल्गोरिदम, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी एंड क्यू एक्स कोसेंट सम एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सो अब देखो गिवन क्या है, गिवन है दिस वन इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, सो अगर ये रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सो ए प्लस रूट रूट टू नहीं रूट बी, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है यहां पे रख देते हैं हम एफ ऑफ ए प्लस रूट बी, एफ ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, यहां पे क्या आएगा एफ ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू, ये देखो किस फॉर्मेट में है, ये दिस वन इज द एक्स माइनस ए प्लस रूट बी एंड एक्स माइनस ए माइनस रूट बी, तो यहां पे जैसे ही ए प्लस रूट बी हम इस यहाँ पे पुट कर देंगे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यानी केवल ये रहेगा, इसके इक्वल में जीरो आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट हम पिछले जैसे हमने किया था ये लिख सकता हूं कि आर एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, ये ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस एस, और यहाँ पे ये जीरो इंटू क्यू एक्स जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको क्या करना है, एक्चुअली देखो स्क्वायर रूट वाले एक जगह लिख लेते हम और ये नॉन स्क्वायर वाले एक जगह, तो ये क्या होगा आर ए प्लस एस, ठीक है, आर ए प्लस एस प्लस आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, गिवेन है दिस इज द इरेशनल नंबर, ठीक है, दिस इज इरेशनल नंबर, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ बी इज नॉन जीरो, इट मीन्स वी कैन राइट दिस जीरो इन द फॉर्म ऑफ जीरो प्लस जीरो इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इरेशनल। देखो यहां पे क्या है, एक इरेशनल है एक रेशनल है, ठीक, क्लियर है, ये रेशनल है, ए आर ए एस जो जितने भी नंबर है ये रेशनल है, ऑफ सम ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल, सम ऑफ रेशनल नंबर इज रेशनल, और बट यहाँ पे जो नंबर है ये आर आपको रेशनल है बट स्क्वायर रूट ऑफ बी इज रेशनल है, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में जो भी नंबर है यहाँ पे इट इज इरेशनल। ठीक है, पूरा इरेशनल,
तो इरेशनल प्लस रेशनल, क्लियर है? इरेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल तभी हो सकता है जब वो हमारा क्या हो, जीरो ही हो। तो वो जीरो, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके दो नंबर्स हैं, ठीक है, रेशनल और इरेशनल। और इरेशनल क्या होते हैं, जो रेशनल नहीं होते, ध्यान रहे, इरेशनल क्या होते हैं, जो रेशनल नहीं होते। तो लेकिन अब यहाँ पे जो सम है, ये जो सम है, आप इतना सा समझ लो कि रेशनल प्लस इरेशनल है। अब ये जो नंबर जो है वो जीरो है, तो जीरो कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। तो अब यहाँ पे जैसे हमने एक्चुअली वहां पे आयोटा था कॉम्प्लेक्स, दो आयोटा नंबर कब इक्वल होते हैं, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम इरेशनल का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। अगर हमारा जो ये नंबर है नॉन इरेशनल या रेशनल नंबर शुड बी जीरो एंड दिस विल बी जीरो, प्रोवाइडेड ये रूट स्क्वायर रूट ऑफ बी तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो बिकॉज इरेशनल नंबर है, इट मीन्स नॉन जीरो है। तो हमें ये कोफिशियंट ये कंपेयर करना है, कंपेयरिंग, सो आर ए प्लस एस विल बी जीरो एंड आर इज इक्वल टू जीरो। और आप ये भी कह सकते हो इसमें सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक है, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, बट हियर गिवन हियर जीरो। तो अगर ये जीरो होगा तो इनका जो सम हो रहा होगा, अगर यहाँ जीरो आ गया विच इज रेशनल आया है, तो इनका सम जीरो है, इट मीन्स ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तभी ये जीरो पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे ही आर जीरो आ गया तो आपका एस भी जीरो आ गया, सो रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आ गया, इट मीन्स द एफ ऑफ एक्स विल बी क्या, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया सो एफ ऑफ एक्स विल बी, अब इसमें पुट कर दो, इट कैन बी रिटर्न एज दिस। अब इसके फैक्टर क्या है, हमने ऑलरेडी देख चुके, ए प्लस रूट बी एंड एक्स माइनस ए माइनस रूट बी इंटू क्यू एक्स, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो अब देख रहा है आपको, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये, और ये फैक्टर एक्चुअली दिस फैक्टर गिव्स अस द रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, एंड ये फैक्टर हमें दे रहा है रूट ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। सो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं ए माइनस स्क्वायर रूट बी इज रूट ऑफ गिवेन इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स रूट जो है कब पेयर पेयर में अकर होते हैं, जब उसके कोफिशियंट जो है वो रियल हो, ध्यान रहे, ठीक है। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, देखो इन दोनों को हम पैरेलल समझते हैं, देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है और ये रियल इक्वेशन है, ठीक है, रियल इक्वेशन है, यानी कोफिशियंट रियल है। अगर इसके पास ए प्लस आयोटा बी रूट होता है, तो वो कहता है कि भाई ए माइनस आयोटा बी रूट भी इसके पास होता है, ठीक है। तो हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट जो होते हैं वो ऑलवेज पेयर में अकर होते हैं। सो अब हमारे पास इस थियरम में क्या आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो विच इज रेशनल इक्वेशन, ठीक है, मैं रेशनल इक्वेशन कह रहा हूँ बिकॉज इट्स कोफिशियंट आर रियल। अब इसमें क्या होगा, कोफिशियंट जो है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सपोज रूट टू एक्स प्लस वन टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, जो भी इक्वेशन है इसमें रियल इक्वेशन रूट टाइप का भी होगा, बट जब ये इक्वेशन आएगा रेशनल, ये रूट टू टाइप का नहीं हो सकता, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन टाइप का हो सकता है, बट रूट टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टू, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू, इस टाइप के इरेशनल से फ्री होगा ये रेशनल। तो इसमें कहा है उसने, अगर इसके पास ए प्लस रूट बी होगा,
ठीक है, ए प्लस रूट बी इसका रूट होगा, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी विल बी रूट ऑफ दिस, देन इसके पास ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी भी एक रूट होगा, जो कि ऑफ कोर्स ये आएंगे पेयर में, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड ऐसा नहीं कि सबके लिए हो, प्रोवाइडेड ये बी जो होगा हमारा, या ये जो बी होगा इट विल बी इरेशनल, ठीक है, इरेशनल, ये जो होगा इरेशनल होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने क्या किया था, प्रोवाइडेड जब ये हो रहा है तो देखो अगर बी जीरो हो गया तो ये फिर रियल हो जाएगा, तो हमें इमेजिनरी रूट्स कहना है, इट मींस बी इज नॉन जीरो। अगर यहाँ पे देखो, अब राइट साइड में देखो, प्रोवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ बी इज रेशनल है, इट मींस ये जो बी है वो ऑफ कोर्स नॉन जीरो है,